क्या तुम्हें पता है कि इंडिया में कितने लोग सिगरेट पीते हैं? क्या तुम्हें जानते हो कि एक स्मोकर व्यक्ति दिन में कितने सिगरेट पी जाता है? क्या तुम्हें पता है कि एक सिगरेट स्मोकर अपनी पूरी जिंदगी में सिगरेट पीने पर कितना पैसा खर्च करता है? जानने के लिए बने रहो इस वीडियो के एंड तक। लेकिन उससे पहले नमस्कार देवी और सज्जन, हम है द क्यूरियस ब्रदर्स और चलिए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। क्या तुम्हें जानते हो कि इंडिया में 12 करोड़ से भी ज्यादा लोग सिगरेट पीते हैं? और तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में 26 करोड़ से भी ज्यादा लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग शराब पीते हैं। एक सिगरेट एडिक्ट व्यक्ति एक दिन में ऑन एन एवरेज 8 सिगरेट पी जाता है। और ये जानकर तुम चौंक जाओगे कि सिर्फ एक सिगरेट पीने से तुम्हारी 11 मिनट लाइफ कम हो जाती है। एक सिगरेट पीने वाला इंसान अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 1 करोड़ रुपए सिगरेट पीने पर खर्च करता है, जिसमें 40 लाख लगभग वो सिगरेट खरीदने में और 60 लाख के करीब सिगरेट से होने वाली बीमारियों से ठीक होने में खर्च करता है। लोग कहते हैं स्मोकिंग किल्स, लेकिन जितना कतरा स्मोकिंग करने वालों को होता है उतना ही कतरा उसे भी होता है जो सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के पास खड़ा रहकर उसका धुआं सूंघता है। इसी वजह से 1964 से लेकर अब तक USA में 25 लाख लोगों की जान जा चुकी है। लोग सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को बुरा समझते हैं। हाँ, सिगरेट पीना एक बुरी आदत है, पर यह आदत किसी का स्वभाव या फिर इंटेलिजेंस नहीं बताती, क्योंकि जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर सिगरेट स्मोकिंग के सख्त खिलाफ था। वहीं दूसरी ओर जर्मन साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन एक रेगुलर स्मोकर थे। क्यों हिला डाला ना? और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में हर दिन सिगरेट पीने की वजह से लगभग 1300 लोगों की मौत हो जाती है। इसीलिए धूम्रपान ना करें, ना करने दें।